सो दोस्तों अभी आप जो शर्ट देखे दोस्तों, ये जो सॉन्ग है आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज़्यादा तेजी से चल रहा है दोस्तों, जो कि दोस्तों ओल्ड हिंदी बेवफा गाने पर होने वाला है। सो दोस्तों अगर आप भी किस प्रकार का शर्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो लगा करके, तो दोस्तों बने रही वीडियो में एंड तक, हम आपको बताएंगे बहुत ही स्टेप में और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। सो दोस्तों इस प्रकार का शर्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोड वर्जन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पिन है, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें जो भी मेटल वगैरह यूज़ होगा 100 बिट मार्क एंड सेगफेड, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहले गाइस आपको प्लस के बगल में आप जब अपना अलाइट मोशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 100 बिट मार्क एंड सेगफेड नाम का दो मटेरियल देखने को मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको 100 बिट मार्क पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस प्रकार से बहुत सारे बीट रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको बताऊँगा यानी आपका भाई बताएगा बहुत ईजी स्टेप में। दोस्तों सबसे पहले गाइस यहाँ पर जितने बीट देख रहे हैं सभी पर आपको फोटो को अटैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस प्लस पर क्लिक करना और मीडिया पर जाना, और यहाँ पर आपके गैलरी में जहाँ भी आप फोटो रखे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं नाम पर क्लिक करें तो आपकी गैलरी का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा, तो आप जहाँ फोटो रखे रहेंगे वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों ऐसा फोटो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ और थ्रेड पर क्लिक करके इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देना है, फिर पर क्लिक कर बच्चों भाग को इस प्रकार से कट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जितने बीट देख रहे हैं सभी बीट के हिसाब से आपको फोटो को अटैच कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्रकार से हमने फोटो को अटैच कर दिया है, आपको भी कुछ प्रकार से सभी बीट के हिसाब से फोटो को अटैच कर लेना होगा। सो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, सबसे पहले गाइस यहाँ पर कैसे इफेक्ट लगाना है वो आपको भाई आपको बताएगा बहुत ही स्टेप में। तो आपको गाइस पैक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेग इफेड पर आपको क्लिक कर देना है। जो पहला आपको इफेड दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, कॉपी इफेड पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेड कर लेना है। सो दोस्तों फिर से आपको 100 बिट मार्क में इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो आपको फोटो दिख रहा है, ठीक है, आपको पहले वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। सो दोस्तों ये वाला इफेक्ट हमारा कहाँ तक लगेगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे आएंगे तो जो आपका छोटा वाला बीट दिख रहा है ना, यहीं तक आपका लगने वाला है। तो इस इफेक्ट को हम इस प्रकार से क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। सो दोस्तों जो पहला इफेक्ट है आपको यहाँ पर जितने फोटो देख रहे हैं सभी पर आपको अटैच कर लेना होगा। सो दोस्तों फिर से आपको स्क्रॉल करके बैक कर देना है, ठीक है, सॉरी बैक करके आपने सेग इफेक्ट में आना है, और यहाँ पर आपको जो बड़ा वाला ये इफेक्ट फोटो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सो दोस्तों बैक करके आपको आ जाना है अपने 100 बिट मार्क में, फिर आपको एरो पे क्लिक करना है इस प्रकार से, ठीक है, आपको स्क्रॉल करके आगे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका बड़ा वाला फोटो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो बड़ा वाला बीट आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आप फोटो अटैच किए रहेंगे आपको इस पर क्लिक करना और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं ये बताना आपको भूल गया था, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा इस, यहाँ पर जो आपका फोटो रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी मतलब अच्छा रहे लेकिन ब्लैक रहे, ठीक है, कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पर गाइस आपका जो टेम्पलेट है वो यहीं पर ऐड होगा। तो प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पर जाना, आप जहाँ भी अपने गैलरी में रखे रहेंगे वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो गाइस मेरा जो गैलरी में फोटो है वो जो वीडियो क्लिप है जो ग्लास ब्रोकन हो रहा है, ठीक है, वो मेरा एसी में है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर के ले लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा जो टेम्पलेट है वो कुछ इस प्रकार का है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना इस प्रकार से, और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑफ स्टीम जाना है, और यहाँ से आपको लाइटर पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से स्क्रीन कर देना है, तो ये कुछ प्रकार का देखने को मिल जाएगा, और बच्चे भाग को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। सो दोस्तों स्क्रॉल करके आपको आगे आना और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से और भी बीट है छोटा वाला, ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आपको नीचे जब पाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 नंबर, ठीक है, तो आपको बैक करके आपको नेक्स्ट सेग इफेक्ट में आना है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार जो तीसरा वाला इफेक्ट दिख रहा है आपको टोटल वहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल आपको 5 इफेक्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सो दोस्तों आपको अपने 100 बिट मार्क में आना है, जैसे कि आप स्क्रॉल करके आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है आपको यहाँ पर गाइस 4:18 पर, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऊपर फोटो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये हो जाने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है। अब गाइस स्टार्ट होता है हमारा जो छोटा वाला बीट है, आपको किस पे कौन सा इफेक्ट लगाना वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बैक करना है आपको और यहाँ पर आपको सही इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है आप दिख रहा है तीसरा, एक बार चौथा वाला इफेक्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सो दोस्तों अपने आपको 100 बिट मार्क पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस प्रकार का आपको ओपन हो जाएगा अपना 100 बिट मार्क। तो ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे आना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार जो इस वाले इफेक्ट को लगाने के बाद जो आपका दिख रहा है छोटा वाला बीट, ठीक है, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 नंबर के आगे जो आपका अटैच रहेगा, तो आपको फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। सो तो मैं ये इफेक्ट कहाँ कहाँ पर अटैच होगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जितने फोटो आपको दिखेंगे सभी पर आपको अटैच कर देना होगा। सो दोस्तों फोटो पर क्लिक करके आपको जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए, ठीक है।
तो दोस्तों एप्पल स्टोर के आ गया ना है, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है खाली जगह जो बड़ा बड़ा वाला दिख रहा है, आपको टाइमिंग याद रख लेना है जो कि 7:28 है, ठीक है। तो बैक करना है आपको अपने सेगी फिट मान है, और यहाँ पर आपको कहीं देखने को मिल जाएगा लास्ट में जो हमारा ये वाला इफेक्ट है, आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले 100 बिट मार्क में आ जाता हूँ, ठीक है। दोस्तों 100 बिट मार्क में आने के बाद आपको स्क्रॉल करके आपको आगे आ जाना है, ठीक है। आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको जो आप अभी ये इफेक्ट मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप जब आएंगे जो आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 नंबर पे आपको जो बड़ा वाला इफेक्ट फोटो दिख रहा है ना खाली जगह पे जो बीट है, आपको यहाँ पर जो फोटो आपका दिख रहा है इस फोटो पे क्लिक कर लेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों ये वाला इफेक्ट आपको मैं बता दूँ कहाँ कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आगे आना है जो जहाँ जहाँ आपको बड़ा वाला बीट दिखेगा, ठीक है। तो सभी जगह पर हमारा यही वाला इफेक्ट लगेगा जो अभी हम कॉपी किए हैं बड़ा वाला। तो इस तरह से हम क्लिक कर लेते हैं और गाइस इसमें आपको जितने बड़े वाले दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी बड़े वाले दिख रहे हैं सभी पर आपको यही वाला इफेक्ट लग जाएगा। तो गाइस मैं फटाफट से आपको अटैच, यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और फोटो पे क्लिक करूँगा, कोई भी मैं फोटो लेता हूँ और थर्ड पे क्लिक करके इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देना है, और कैसे एरो पे क्लिक करके बचे हुए भाग को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। तो मैं इस फोटो पे क्लिक करूँगा और इस प्रकार से मैं इस इफेक्ट को यहाँ पर अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमारा सारा यहाँ पर जो बड़ा वाला इफेक्ट का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है, जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको एक जगह और देखने को मिल जाएगा 3 नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे देखना है, तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपके 3 नंबर यहाँ पर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 नंबर को कॉपी कर लेना है, ठीक है। 3 नंबर को कॉपी करने के बाद आपको आगे आना है, जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक जगह और देखने को मिल जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ऊपर आपको स्क्रॉल करके जाना है, और यहाँ पर जो छोटा वाला बीट दिख रहा है इस पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इतना आपका हो जाने के बाद आपका जितना भी छोटा वाला इफेक्ट बीट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा वाला जितना भी आपको बीट दिख रहा है सभी पर हमारा ये वाला इफेक्ट लगेगा जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इस इफेक्ट को छोड़ करके जो आपका ये वाला इफेक्ट दिख रहा है चौथा वाला, यानी कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सही इफेक्ट मैंने आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो आपका चौथा वाला इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना और इस तरह से क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, और गाइस आपको 100 बिट मार्क में इस प्रकार से आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी छोटे छोटे बीट दिख रहे हैं सभी बीट पर हमारा यही वाला इफेक्ट लगेगा स्टार्टिंग का, ये स्टार्टिंग वाला जो बीट है इसको छोड़ करके सभी छोटे वाले बीट पर हमारा यही वाला इफेक्ट लगेगा जो कि हमने अभी कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं गाइस क्लिक कर लूँगा छोटे वाले बीट पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करके पेस्ट कर दूँ किस प्रकार से हो जाएगा। दोस्तों सभी जगह पे आपको अटैच कर देना है, ठीक है, इतना आपको कर लेने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद आपको सेटिंग के बगल में बॉक्स पर क्लिक करना है और इसे आपको एक्सपोर्ट करके अपने गैलरी में सेव कर लेना है, बहुत इजी स्टेप में हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।